लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू वाला कलेक्शन। आपसे दोबारा मुलाकात हो गई है आज शाम में, और आज की जो अभी शाम की जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, ये हमारे डेली वेयर पे वीडियो होने वाली है। और डेली वेयर जो मैंने रिसेंटली 650 की रेंज में अपलोड कर रहे थे, उनका मुझे काफ़ी अच्छा रिव्यू आया था, सबको बहुत पसंद भी आए हैं वो, तो मैं उसी रेंज में, प्राइस रेंज में आपके लिए इंडियन रेप्लिका पाकिस्तानी डेली वेयर सूट्स लेकर आ गई हूँ। पाकिस्तानी से देखिए, प्लीज़ मैं आपको दोबारा से बात रिपीट करना चाहूँगी, ओरिजिनल मत समझिएगा, ओरिजिनल नहीं है, डेली वेयर है। ओनली जो इनका प्रिंट आपको मिलेगा वो पाकिस्तानी डिज़ाइन मिलेगा, बाकी सब कुछ अपना इंडियन मेड है। और इसमें आज की वीडियो में अराउंड 10 डिज़ाइंस होने वाले हैं, और मैं आपको एक एक करके सारे डिज़ाइंस दिखा देती हूँ, फिर आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका डिस्पैच हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है, एकदम क्यूट पैकेजिंग है इसकी, बहुत ही क्यूट इसका ये जो पैकेट है वो बहुत प्यारा है। और ये चलिए हम लोग अब डिज़ाइन आपको दिखाते हैं। इनका जो मटेरियल है वो मैं आपको बताऊं, सेमी लॉन कह सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग लॉन कॉटन कह सकते हैं, वो इस वजह से क्योंकि देखिए प्योर लॉन नहीं है, आपको ओरिजिनल नहीं है तो प्योर लॉन नहीं है ये। बाकी जो हमारा इंडियन कॉटन होता है उससे थिन फैब्रिक है, उससे ज़्यादा कम्फर्टेबल आपको लगेगा ये, ठीक है। ये देख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है आज की वीडियो से। और ये जो मैंने आपके लिए फर्स्ट डिज़ाइन खोला है, ये हमारा ग्रीन के कॉम्बिनेशन में होगा, ये देखें। अच्छा, इसमें एक बात और मैं बता दूं, ओनली प्रिंट्स हैं आपको दिखाने के लिए, कोई भी इसमें एम्ब्रॉयडरी या कुछ भी नहीं है, तो आप लोग बस जल्दी जल्दी प्रिंट्स चेक करते जाइएगा, क्योंकि 10 पीसेस हैं, उनको दिखाने में मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दूंगी सारे। तो ये देखें, ये आपका हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है इसका, ये आई थिंक फ्रंट वाला पार्ट है, ये आप देख लीजिए पूरा नीचे तक, ठीक है। और ये हो गया हमारा यहाँ तक, ठीक है। और ये साइड में जो आप ये देख रहे हो, ये इसकी स्लीव्स वाला फैब्रिक है, स्लीव्स के लिए फैब्रिक ज़्यादा दिया गया है ताकि कोई भी कमी फैब्रिक में उसमें ना आए, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ये देख लीजिए, ये बैक वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट का प्रिंट भी आप चेक कर लें, ये पूरा नीचे तक। और ये हो गई साइड में स्लीव्स, ठीक है। और इसका जो शेड है मैं आपको बताऊं, वो ग्रीन जो है वो मेहंदी ग्रीन टाइप का है, ये बॉटम का मटेरियल है। और मैं अब आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ कॉटन मटेरियल में, ये मैंने डबल करके दुपट्टे को पकड़ा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए, प्रिंट आप चेक कर लीजिए इसका, बहुत ही प्रिटी प्रिंट है इसका, ये देख लीजिए। तो ये हमारा कॉटन में है, ठीक है। और ये कॉटन में ही ड्रेस मटेरियल्स हैं, इसको प्लीज़ लॉन मत समझिएगा, कॉटन हम लोग इसको कह सकते हैं, कॉटन लॉन कह सकते हैं, सेमी लॉन कह सकते हैं, बात एक ही है, बस लफ्ज़ अलग अलग हैं। और ये देख लीजिए, ये हमारा सेकंड डिज़ाइन है इसमें, ये देख लीजिए, ये हमारा सेकंड डिज़ाइन है, ये ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में होने वाला है, ये हो गया हमारा डिज़ाइन। ओके, तो ये हमारे जो मैंने अभी जस्ट आपको दिखाया, ये उसी का दूसरा कलर है, ये भी आप देख लीजिए, ज़्यादा फुल इसमें दिखाने वाली बात नहीं है, ये आपको वही फ्रंट वाला पार्ट हो गया, ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है, थोड़ा सा इसमें प्रिंट में ग्रीन शेड भी आ रहा है। और ये ब्लैक कलर में इसके बॉटम का मटेरियल है, आप बैक देख लें, बैक इसकी फुल ब्लैक मिलेगी, ये हो गया हमारा फुल बैक वाला पार्ट, और ये साइड में स्लीव्स हो गई। और अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा देती हूँ, दुपट्टा भी आपको सेम मिलेगा, ये हो गया हमारा इसका दुपट्टा, दुपट्टा मैंने डबल करके पकड़ा हुआ है क्योंकि दोनों तरफ सेम ही प्रिंट है, बस आपको दुपट्टा एक बार चेक कराना है कि प्रिंट कैसा है। तो ये हमारा सेकंड डिजाइन हो गया, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी वीडियो का थर्ड पीस, ये देख लीजिए। एक्चुअली क्या है कि इनकी जो मॉडल पिक्चर्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं, पैकेजिंग छोटी है, तो इस वजह से मॉडल पिक्चर्स जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गई हैं, लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ आप उस प्रिंट पे चेक करें, आप उसे ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही वाला पीस आपको मिलेगा। ये अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारा ब्राउन शेड में है, और ब्राउन है बहुत लाइट वाला ब्राउन है, ये कैसे हो रहा है, ये हो गया ठीक, ये देख लीजिए, ये आपका फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, आप प्रिंट चेक कर लें आप, ये देख लीजिए। और ये साइड में स्लीव्स हो गई हैं,
मैं आपको इसमें एक बात और बता दूँ, आप लोग पूछते हैं ना कि श्रिंक करना है या नहीं इसको, श्रिंक करने की मर्जी है आपकी, क्योंकि ये इसमें कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको श्रिंक करके ही सेंड करना है जैसे कि लॉन में होता है। ये लॉन मटेरियल नहीं है, प्योर लॉन नहीं है, इसलिए श्रिंक की कोई ज़रूरत है वैसी वाली नहीं है। लेकिन अगर इनकेस आप फिर भी करना चाहें तो आप फर्स्ट टाइम श्रिंक करें और स्टिचिंग से पहले ही कर लीजिएगा अगर इनकेस आपको करना है तो, और थोड़ा सा लाइक सॉल्ट वाटर में कर लीजिएगा तो वो ईजी रहता है, क्योंकि पहली बार में कलर का हम भी देखिए कलर की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं हमारे यहाँ पे डाई नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे नहीं बना है, तो इसलिए हमें नहीं पता कि कौन सा किस टाइप का कलर यूज़ हुआ है इसको करने में, तो इसलिए हम लोग भी गारंटी नहीं ले सकते कलर्स की, ये आप समझा करें। और जब भी आप इसको श्रिंक करें, फर्स्ट वॉश करें, वो सॉल्ट वाटर में कर लीजिएगा तो उससे थोड़ा सा कलर जो है वो नहीं निकलता है, ठीक है, तो वो हेल्पफुल होगा। तो इसलिए जब भी आप इसको श्रिंक करें या फर्स्ट वॉश करें वो सॉल्टी वाटर में कर लीजिएगा। अब आप ये देख लीजिए, ये इसका बैक वाला पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, साइड में स्लीव्स, और ये हमारा ब्राउन शेड में, लाइट ब्राउन शेड में एकदम आपको दिया गया है बॉटम का मटेरियल। और अब मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ, ये देख लें दुपट्टा, दुपट्टे का आप प्रिंट चेक कर लीजिए, पूरा दोनों तरफ प्रिंट जो है वो सेम है इसमें। ये हो गया हमारा दुपट्टा, तो ये हमारा थर्ड डिजाइन था। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट डिजाइन, ये देख लीजिए पिंक कलर में, खोलने से पहले दिखा रही हूँ क्योंकि फिर मॉडल पिक्चर थोड़ी सी वैसी निकलती है। ये देख लीजिए, ये हमारा जो होगा ये थोड़ा सा लाइक पीच पिंक टाइप का शेड है। ये वाला जो फैब्रिक होता है ना, ये वॉश होने के बाद और रफ होता है, तो इस वजह से आपको मतलब इतना परेशान होने वाली बात नहीं होती है कि इसमें लाइनिंग की ज़रूरत है, नहीं है लाइनिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वॉश होने के बाद वो वैसे भी रफ होगा दोबारा से। अब आप ये देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा पीच पिंक शेड में, अब आप ये देख लें, ये देख लीजिए, ठीक है, पूरा ही नीचे दामन पे कलरफुल प्रिंट है, साइड में स्लीव्स का प्रिंट दिया गया है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ बैक वाला पार्ट इसका, ये भी आप देख लें, आई थिंक उल्टा दिखा दिया है, ये ऐसे है बैक वाला पार्ट, ऐसे है, ये देख लीजिए, ठीक है, दामन की तरफ आपको वही सेम प्रिंट मिलेगा इसमें भी। और ये हो गई स्लीव, स्लीव्स का आप प्रिंट चेक कर लें। और ये हो गया हमारे बॉटम का मटेरियल, ये भी सेमी लॉन मटेरियल में है, सेमी लॉन फैब्रिक है बॉटम का। और ये हो गया दुपट्टा, दुपट्टा इसका कॉटन मटेरियल में है। और इनमें देखिए प्लीज़ आप लोग ये मत कहिएगा कि हमें शिफॉन में चाहिए, शिफॉन में नहीं है अवेलेबल, ये जितने भी मैं आपको डिज़ाइंस दिखा रही हूँ ये सारे कॉटन मटेरियल में ही दुपट्टे के साथ ही अवेलेबल हैं। ये हो गया हमारा दुपट्टा, ठीक है। और अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो हमारा पर्पल शेड में होने वाला है, ये पर्पल शेड में हो गया। देखिए मुझे आप लोगों के से एक बात और क्लियर करनी थी, वो ये कि वर्बल बुकिंग्स हम लोग नहीं लेते, वो इस वजह से देखिए आप लोग काफ़ी बार नाराज़ भी होते हैं कि हमने कहा था रखने के लिए बट फिर भी आपने सेल कर दिया, आपकी बात ठीक है, लेकिन काफ़ी बार देखिए ये होता है कि इंसान रख, मैं मतलब आप लोगों के कहने से रख दूँ, आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग कैंसिल कर दो, फिर वो वाला जो जिस कस्टमर को वो चाहिए होता है या जिसको चाहिए होता है फिर वो भी मना कर देता है मुझसे कि हमें अब नहीं चाहिए, तो इस वजह से वो काफ़ी टाइम तक के लिए रखा रह जाता है। ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई है, तो इस वजह से मैं अब वर्बल बुकिंग कंसिडर नहीं करती हूँ। आप लोग जब भी बुक आपने अगर करवाया हुआ है तो आप लोग पेमेंट करने से पहले एक बार कन्फर्म कर लें कि वो अवेलेबल है या नहीं, मैं आपको बता दूँगी, फिर आप प्लीज़ पेमेंट सेंड करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब वर्बल बुकिंग्स बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब आप ये देख लें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ लाइट पर्पल शेड है इसका फुल, आप प्रिंट चेक कर लीजिए, ये स्लीव्स हो गई हैं। देखिए ये वाले जो रहते हैं ना ये डेली वेयर पर्पज़ से अच्छे रहते हैं, आपका आराम से ये एक दो सीज़न आराम से चलेंगे बिल्कुल, क्योंकि मटेरियल अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये देख लीजिए। और ये हो गई साइड में स्लीव्स, और ये सेम लाइट पर्पल शेड में ये बॉटम का हो गया। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दुपट्टा, ये आप इसका दुपट्टा आप चेक कर लीजिए, ये पर्पल शेड में ही इसका दुपट्टा है, प्रिंट भी डिसेंट है, ठीक है, ये हो गया इसका दुपट्टा। और
और अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डिज़ाइन पे। कलर कॉम्बिनेशन तो देखिए अभी तक तो अच्छे ही सारे आए हैं। ये वाला हमारे अब होने वाला है मस्टर्ड शेड में। आप लोगों को मस्टर्ड शेड कितना पसंद आता है वो पता है मुझे। मस्टर्ड शेड लाइक आप लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, कभी मस्टर्ड शेड का कोई भी ड्रेस नहीं रुकता। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मॉडल पिक्चर मैंने अभी जस्ट आपको दिखाई है, आप लोगों ने खुद देखी होगी कि उसमें कितना लाइट शेड आ रहा है, बट ये दिया मस्टर्ड शेड में है। तो आप लोग मॉडल पिक्चर पे इतना बिलीव मत करा करिए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ आपको वो वाला पीस मिलेगा, आपको ये पीस मिलेगा जो मैं दिखा रही हूँ। तो आप लोग फुल फोकस इस पर करें, ठीक है। ये देख लीजिए, ये आप पूरा प्रिंट चेक कर लीजिएगा नीचे तक, और ये साइड में स्लीव्स हो गई, और ये हो गया बैक वाला पार्ट। ये प्रिंट चेक कर लीजिए पूरे बैक वाले पार्ट का, और ये साइड में स्लीव्स हो गई हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हो गया हमारा, देखिए बॉटम का जो शेड है वो मस्टर्ड शेड नहीं है, ये लाइट शेड है। लाइक आप इसे बहुत ही रिसेंट एकदम लाइट मस्टर्ड शेड है बिल्कुल, जिसमें कि कोई भी शाइनिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो आपको इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, बट एक्चुअली होता क्या है कि ये वाला अक्सर जो होता है बॉटम थोड़ा सा लाइट शेड में ही दिया जाता है। दुपट्टा आप देख रहे हैं, दुपट्टा सेम एग्जैक्ट आपको कुर्ते के शेड में ही मिलने वाला है, ये देख लीजिए, और प्रिंट भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। प्रिंट आप चेक कर लीजिए, ये हो गया हमारा डिज़ाइन नंबर, डिज़ाइन नंबर याद नहीं मुझे, आप ये देख लें, ये मस्टर्ड शेड वाला हमारा डिज़ाइन हो गया। आप लोग जो स्क्रीनशॉट सेंड करें तो प्लीज़ प्रॉपरली सेंड करिएगा, जिससे कि मैं फ़ौरन देख के आपको कन्फर्म कर सकूँ। और ये हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन है, ये वाला जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों के लिए खोला है, ओपन करा है, ये हमारा क्रीम शेड में अवेलेबल है। क्रीम शेड है इसका और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देख लीजिए, ये आप चेक करें, ये हमारा क्रीम शेड में अवेलेबल है। ये मैं आपको एक तरफ का प्रिंट दिखा रही हूँ, और ये साइड में स्लीव्स हो गई हैं, और ये हो गया बैक वाला पार्ट, ये देख लीजिए, ठीक है। ये बैक आप बनाना चाहें, फ्रंट बनाना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि आई थिंक इसमें नेक वाले पार्ट के लिए कोई अलग से प्रिंट नहीं दिया है। और ये स्लीव्स हो गई साइड में, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक आपकी अपनी चॉइस है, आप बना सकते हैं जो भी आप चाहें। ये वही क्रीम शेड में आपको बॉटम का मटेरियल है, इसमें बॉटम का बिल्कुल एग्जैक्ट शेड दिया है। और अब मैं आपको इसका दुपट्टा चेक करा देती हूँ, ये देखिए, ये दुपट्टा हो गया इसका कॉटन मटेरियल में, ठीक है। प्रिंट आप देख लीजिए, मैंने ये दुपट्टा डबल करके पकड़ा हुआ है, इसलिए आपको फुल खोल के नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि फुल पे भी सेम प्रिंट है, हाफ में भी सेम प्रिंट आ रहा है, तो इस वजह से ये हमारा क्रीम शेड में हो गया। और अब जो हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन है, देखते हैं वो कौन से कलर में दिया गया है, ये देख लीजिए, ये हमारा बिल्कुल लाइट एकदम मेहंदी ग्रीन शेड जो होता है, एकदम वो वाला शेड है, ये देख लें। अभी तक के मतलब जितने भी आए हैं वो सारे अच्छे ही इसमें प्रिंट्स आए हैं, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे ही आए हैं। ये अब आप देख लें, मैं आपको एक साइड का प्रिंट दिखा रही हूँ, और ये स्लीव्स हो गई हैं साइड में, और ये हो गया हमारा बैक वाला पार्ट, ये चेक कर लीजिए, बैक पर भी आपको दामन पे प्रिंट दिया गया है, ये स्लीव्स का प्रिंट हो गया। और ये देखें, इसमें मैं आपको बताऊं, जो ये कुर्ते का जो कलर है वो लाइट ग्रीन शेड है, लाइट एकदम, और ये जो बॉटम का शेड है वो खाकी ग्रीन शेड है, खाकी का लाइक खाकी कलर है, ब्राउन टाइप का, गोल्डन ब्राउन टाइप का। तो ये आप देख लें, ये ऐसा ही है, ऐसा ही आया है, तो लेकिन इतना ज़्यादा अलग नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए अब आप इसको शॉर्ट तो कराएंगे नहीं कुर्ते को, आप लोग जितना इसमें लेंथ है फुल लेंथ ही बनवाएंगे, और उसमें इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, तो ये भी इस पर अच्छा चलेगा। अब ये देख लीजिए, ये मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ, डबल करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लें, प्रिंट आप चेक कर लें दुपट्टे का, दुपट्टे का कलर सेम है, जो कुर्ते का कलर है वही दुपट्टे का कलर है। ये हमारा हो गया थर्ड लास्ट डिज़ाइन। अब हमारे पास दो पीस रह गए आप लोगों को दिखाने के लिए, ये देखिए, ये हमारा होने वाला है लाइट शेड में।
ये देखिए अब मॉडल पिक्चर देखिए, मॉडल पिक्चर से कितना अलग है। तो मॉडल पिक्चर दिखाना तो अब मुझे लग ही नहीं रहा कि मॉडल पिक्चर दिखानी चाहिए, क्योंकि वो अलग ही है, वो जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस दी हुई है, क्योंकि अब कैटलॉग्स में मॉडल पिक्चर ज़रूरी हो गए हैं, तो वो कुछ भी दे देते हैं उठा के। चलिए अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये आप देख लें। इसका जो शेड है वो लाइट येलो शेड है, लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइट, एकदम प्रिटी है, बहुत समर्स के लिए अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत प्रिटी है, कलरफुल इसका कॉम्बिनेशन है। अब आप ये देख लीजिए, ये प्रिंट इसका ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि ये साइड में हो गई हैं स्लीव्स, ठीक है, ये साइड में जो दी गई हैं ये हैं स्लीव्स, ये आपका पूरा दामन का पार्ट है। अब आप ये देख लें, आधे पे आपको अलग प्रिंट दिया है, आधे पे अलग है, तो ये डिज़ाइनिंग ही है उसकी, आया ऐसा है, ठीक है, डिफेक्ट नहीं है ये कोई भी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दूसरे साइड का, आप चाहें तो आप इसको फ्रंट बना सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरे साइड का प्रिंट, और ये हो गई साइड में स्लीव्स, तो स्लीव्स आपको सेम दी गई है फ्रंट में और बैक में, और ये बॉटम का मटेरियल है, और ये हो गया इसका दुपट्टा, ये दुपट्टा आप चेक कर लें, ये दुपट्टा आप देख लीजिए, दुपट्टा भी खूबसूरत लग रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है, तो ये दुपट्टा हो गया इसका। देखिए दुपट्टे का फैब्रिक आपको मिले और आपको थोड़ा सा टाइट लगे, सख्त लगे, तो सख्त ऐसा है नहीं, आप लोग उसको वॉश करके देख लीजिएगा, रफ हो जाएगा वो, ठीक है। और ये जो मैं आप खोल रही हूँ, ये हमारी वीडियो का लास्ट पीस है आज की, और ये ग्रे कलर में है, मॉडल पिक्चर देख लीजिए क्योंकि सेम लग रही है इसलिए दिखा दिया आपको। लास्ट हमारा पीस ग्रे कलर में है, ये देखिए प्रिंट आप चेक कर लीजिए पूरा, ठीक है, ये साइड में स्लीव्स हो गई, और अब मैं आपको उसकी बैक वाला पार्ट दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम नॉर्मल रेंज में है, अब इससे ज़्यादा कम में आपको क्या, ये और जो मैं आपको डालती हूँ, जो प्राइस मैं आपको बताती हूँ, वो रिटेल प्राइसेस हैं, प्लीज़ उसको होलसेल मत समझिएगा। होलसेल हम लोग पहले कर रहे थे, बट अभी हमने होलसेल अपनी स्टॉप कर दी है, होलसेलिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं एंड रीसेलिंग के लिए प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो जो भी आपको प्राइस मैं बता रही हूँ वो रिटेल प्राइसेस हैं, ठीक है। आपको सिंगल पीस का मैंने प्राइस बताया जो मेंशन करा है। ये सेम कलर में, इसका ग्रे शेड में बॉटम का मटेरियल है, और अब आप ये दुपट्टा इसका चेक कर लें, दुपट्टा भी आपको सेम ग्रे शेड में ही दिया गया है। ये हो गया हमारा लास्ट पीस आज की वीडियो से। आपको जो भी इसमें से अच्छा लगा आप लोग मुझे फ़ौरन व्हाट्सएप कर दें, कल हमारी मॉर्निंग में डिस्पैच हो जाएगा, तो आपको मैं फिर ट्रैकिंग स्लिप सेंड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।